हेलो डी रेस्टोरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि एसएससी जो 2022 सीजीएल है उनके थ्रू अभी हाल फिलहाल में एसएससी की तरफ से टोटल वैकेंसीज डिक्लेयर कर चुके हैं, ऑफिशियल टोटल वैकेंसीज की कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं वो सारी क्लियर हो चुके हैं, तो वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप अब तक अनअकैडमी से नहीं जुड़ पाया हो तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑफ़र स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अब तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं किसी रीज़न से, तो आप आपकी फ़ीस कम हो चुकी है। 5467 और 4592, ये फ़ीस है आपकी 12 मंथ की एंड 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे, प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे एजुकेटर के स्पेसिफिक कोर्सेस आपको मिल जाएंगे जिस एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हैं। बैच, अगर आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कंबाइंड पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक कोर्सेस आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर दी जाएंगी। सब्जेक्ट कोर्स जो है सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। मान लो सारे सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने, कोई बात नहीं, आपको जो पढ़ना है वही पढ़ लो। टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट या फिर मिनी होगा, सेशन वाइज मिल जाएगा। बाकी डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हो और अपने आप को यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं जो आपकी जो स्पेशल वीडियो जिसके लिए बनाई जा रही है, टेंटेटिव वैकेंसीज के लिए जो क्लियर हो चुकी है। टेंटेटिव वैकेंसीज कौन से डिपार्टमेंट में कितनी है, ये आपकी वैकेंसीज है प्यारे विद्यार्थी 2022 की, जो कि 3/2/2022 के हिसाब से है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए 1260 वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल सेक्रेटेरियन सर्विस यानी कि DOPT में, इसके लिए आपको मिलेगा 982 जो वैकेंसीज। साथ ही अगर मैं बात करूँ 1113 यानी कि 1113 वैकेंसी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम यानी कि CBIC में आपको मिलेगा, जिसमें कि सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर की पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल यानी कि CBIC में जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट है वो आपकी 220 है। 614 पोस्ट है इंस्पेक्टर की CBIC में, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पोस्ट हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके मतलब जो स्टूडेंट की एक सपना होता है कि मैं यहाँ पे पहुँचूँ, तो वो पोस्ट हैं ये सब। और ये सभी पोस्ट बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए आपके सपने को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मोटा मोटी मैं यहाँ पे बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है 450, ठीक है। 450 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई, जिसमें आपको एक्साइज में आपको मैंने बताया 1113 पोस्ट है, ईडी में मैंने बताया आपको 24 पोस्ट है। ईडी में जो जो भी वैकेंसीज होती हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो मिलती है, तो ये बहुत ही, देखो यहाँ पे 24 पोस्ट है आपको ईडी में। साथ ही एग्जामिनर की 1614 पोस्ट है एग्जामिनर की। और अगर मैं बात करूँ नारकोटिक SI की, वो आपकी पोस्ट है 176, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, नारकोटिक SI की। साथ ही अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 86 पोस्ट है, MEA में 126 पोस्ट है, और टैक्स असिस्टेंट की 3140 पोस्ट है। आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए CBIC में जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है वो 222 है, 765 पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट की, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सब इंस्पेक्टर की, मैंने बताई 21 पोस्ट है नारकोटिक्स में, सॉरी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। अगर नारकोटिक्स में सर देखें हम सब इंस्पेक्टर की और इंटेलिजेंस ऑफिसर की, तो ये आपकी 176 पोस्ट है। 2295 पोस्ट है आपकी ऑफिस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग में जो पोस्ट है आपकी ऑडिटर की, वो आपकी 2295 पोस्ट है। 1470 पोस्ट है आपकी इसमें अकाउंटेंट की, कैग में ही, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अकाउंटेंट की जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में है यानी कि CGA में है, तो वो आपकी स्टूडेंट 232 से 232 है। और सबसे बड़ी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट जो है 19676 यानी फिर 19676 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। अगर मैं बात करूँ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो यहाँ पर आपको मिलती है 2752, ये एक अच्छी खासी वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे आप आराम से अपनी लाइफ जो है बिता सकते हैं, आराम से की नौकरी भी है, नौकरी आराम की, मतलब कि आप यहाँ को, यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, दी जाएंगी, ठीक है। अगर नारकोटिक्स ब्यूरो की मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, अपर डिवीजन क्लर्क की, तो केवल एक पोस्ट है। अगर आप नारकोटिक्स में जाने चाहते हैं एज अपर डिवीजन क्लर्क, तो आपको थोड़ी सी कम पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर आप SI बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट है, आप वहाँ पे अपना कर सकते हैं, सपना पूरा कर सकते हैं।
बाकी अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि टैक्स असिस्टेंट की जो CBDT में पोस्ट है वो अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है आपको, 3140। तो ये CGL 2022 की जो वैकेंसीज थी वो क्लियर हो चुकी है डिपार्टमेंट वाइज, और ओवरऑल आपको पता है कि UR कैटेगरी की 15,982 वैकेंसीज है। SC की आपको देखने के लिए मिलेंगी स्टूडेंट 5,776, 5,776। अगर हम ST की बात करें तो 2,995, OBC की बात करें तो 8,719, और EWS की बात करें तो 3,937 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल 37,400 वैकेंसीज यानी कि 409 वैकेंसीज हैं ओवरऑल टोटल। तो 37,000 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है SSC CGL 2022 की तरफ से। ये अभी SSC की तरफ से ताज़ा अपडेट है, तो आप लोग देख सकते हैं टोटल हर एक डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। मैंने आपको कुछ जो सपने थे लोगों के, जहाँ पहुँचना सब सब स्टूडेंट चाहता है, SSC की जो भी तैयारी CGL की तरह कर रहे हैं वो वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो वो वैकेंसीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। साथ ही स्टूडेंट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं अनअकैडमी से, तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं 20% का, जिसमें आपको मिलेगा सारे बैचेस, जैसे दिल्ली पुलिस के बैचेस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और CGL 2023 की जो डेट आ चुकी है उसके बैचेज मिल जाएंगे। MTS के फॉर्म आपने भर चुके हैं, आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोट्स, चाहे वो आप बुक के फॉर्म में लेना चाहते हैं, चाहे आप PDF के फॉर्म में लेना चाहते हैं, कोई भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही अगर मैं प्यारे विद्यार्थियों बात करूं तो ये जो वैकेंसीज है इसका फ़ायदा उठाइए आप सभी लोग, अपनी तैयारी करिए, और ये ऑफ़र जो है जल्दी ही इसकी जो डेट है वो चली जाएगी। तो ऑफ़र ख़त्म होने से पहले पहले आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 20% इंस्टेंट डिस्काउंट, जैसे ही आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे आपको 20% मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेली प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। तो PMYT डिस्काउंट कोड सभी कोर्सेज़ के लिए अप्लीकेबल होता है, और ये जो मैंने वैकेंसीज बताई, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई कि अब मैं इस बार सिलेक्शन ज़रूर ले लूँगा, तो आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो SSC के अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो सारे SSC एस्पायरेंट जो हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और विद्यार्थियों आप ये बात याद रखो, SSC अनअकैडमी SSC जो टेलीग्राम है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप पूरी डिटेल वैकेंसीज़ की देख सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरी डिटेल देख लो, और अगर आप SSC के अलावा कोई भी जैसे UPSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PC, IIT, NEET सभी किसी भी की तैयारी करना चाहते हो कोई भी कैटेगरी में, तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगली कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ या फिर जो लाइव क्लास होती है उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।